हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। आज हम आप लोगों को बेबी डाइपर बनाना बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा ये डाइपर। जैसा कि रोज़ आप बेबी को यूज़ करने के लिए डाइपर यूज़ करते हैं, तो वही डाइपर हम आज आपको बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने डाइपर बनाने के लिए ये कपड़ा लिया है, ये रेयन कपड़ा है, इसी से हम डाइपर बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए हमने ये पेस्टिंग पेपर भी लिया है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। इसी की हेल्प से हम डाइपर को बनाएंगे। मैंने और भी पहले डाइपर की वीडियो बना के अपने चैनल पे डाली थी, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम, उसमें आपने पॉलीथीन का यूज़ किया है, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह रहेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें पॉलीथीन नहीं यूज़ करेंगे, इसमें हम पेस्टिंग पेपर यूज़ करेंगे। इसमें पेस्टिंग पेपर की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कपड़ा हमारा थोड़ा लूज़ है, इसीलिए हमने यूज़ किया है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई पहले हम देख लेंगे। पेस्टिंग पेपर पर हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले इसी पे हम इसकी लंबाई चौड़ाई की नाप लेंगे। तो इसे हमने इस तरह से खोल लिया है और इसकी लंबाई हम नापेंगे। पहले हम ये 6 से 7 महीने के बच्चों के लिए बनाएंगे, तो इसके लिए हमने लंबाई 13 से 14 इंच हमें रखना है। इसकी लंबाई हम लगभग 13 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अगर सिलाई के लिए भी आधा इंच रखना रहेगा तो रख सकती हैं। वैसे इसमें सिलाई में कपड़ा जाता नहीं है, क्योंकि हमें पीछे की साइड हमें बेल्ट लगाना होता है। तो हमने इसी तरह से आधा इंच बढ़ा लिया है। तो अब हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे। इसकी चौड़ाई हम 9 इंच रखेंगे। बच्चों की हेल्थ के ऊपर है, अगर थोड़ा हेल्दी बच्चे रहेंगे तो उनके लिए थोड़ा चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से फोम को, यानी कि पेस्टिंग पेपर को हम कट करेंगे। तो देखिए, हमने 9 इंच की चौड़ाई में इसे कट किया है और लंबाई हमने 13 इंच, 13.5 इंच हमने रखी है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए, हमने इसकी कटिंग कर दी है। इसकी लंबाई है 13.5 इंच और चौड़ाई है 9 इंच। आप अपने हिसाब से चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकती हैं, लंबाई भी कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो हमने इसे बीच से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ छोटा सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसे इस तरह से खोलेंगे। ये जो निशान है इसे हम और डीप कर देंगे, क्योंकि इसी की हेल्प से हमें कटिंग करना होगा। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसे हमने लंबाई में फोल्ड किया है। अब यहाँ की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हमें 2 इंच तैयार करना है, आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। अब ये जो हमने बीच में निशान लगाया था, उसी के बीचों बीच हम दोनों साइड हम 1.5 1.5 इंच की दूरी में हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये निशान हम यहाँ बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे साइड में निशान लगाना है और ये वाला निशान हमें आगे वाली साइड अंदर को हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान को सीधा कर लिया है। अब इस निशान को इस निशान से हम इस तरह से मिला लेंगे। अब इस निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ हम हल्की सी गोलाई देंगे, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने डाइपर की कटिंग हमने पेस्टिंग पेपर पे कर ली है। हमें कपड़े पे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे आगे का साइड है और ये पीछे का साइड है। अब ये देखिए, हमारा पेस्टिंग पेपर चिपकाने वाला है, तो जो शाइनिंग वाला होगा उसे हम कपड़े की साइड रख करके इसे प्रेस की हेल्प से कपड़े पर हम चिपका लेंगे। हम पहले देख लेंगे कौन सी साइड चिपकने वाली है, तो उसे इस तरह से रख के हम प्रेस से चिपका लेंगे। देखिए, हमने इसे प्रेस से चिपका लिया है पेस्टिंग पेपर को। देखिए, इस तरह से हमारा पूरा चिपक गया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से एकदम सही करके रख लेंगे, क्योंकि हमें कपड़ा छोटा बड़ा नहीं रखना है। अब यहाँ से हम कपड़े को पकड़ेंगे और यहाँ से हम कट करके अलग कर देंगे। यहाँ से हमने कपड़े को कट करके अलग कर दिया है। अब ये हमारा डाइपर वाला कपड़ा है, इसे हम इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ये जो दोनों साइड कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। ये कपड़ा कट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसे सीधी साइड पलट देंगे।
तो देखिए हमने इसकी सीधी साइड कर ली है। सीधी साइड करने के बाद दोनों साइड हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड एक एक सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हम देख लेंगे, इसकी लंबाई बिल्कुल सही है पट्टी के लिए। अब इसे हम अपनी चौड़ाई के हिसाब से कट कर लेंगे। तो ये पट्टी हमारी 1.5 से 2 इंच की चौड़ाई में रहेगी। इसकी लंबाई देखिए 12 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है और चौड़ाई हम रखेंगे इसकी 3.5 इंच, जो कि सिलाई के बाद थोड़ा और कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई 12 इंच है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हम एक छोटा सा निशान लगा लेंगे। इसमें भी हम बीचों बीच निशान लगा लेंगे। देखिए हमने इसमें भी निशान लगा लिया है। अब इस पट्टी को और डायपर को दोनों को निशान को मिलाते हुए एक साथ हम इस तरह से रखेंगे बीचों बीच, और यहाँ से यहाँ तक हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है और दोनों साइड हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे दोनों साइड का, और फिर इस तरह से हम फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे, यानी कि हम पट्टी की तरह इसे सिलाई बना लेंगे। तो देखिए हमारा डायपर बन करके तैयार है। अब ये हमने पट्टियाँ सिलाई की हैं, ये लगभग 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में है। इसे हम दो भाग में कट कर लेंगे और इस तरह से हम डायपर को रखेंगे, और यहाँ हम इस तरह से इसे अटैच कर देंगे। जिस तरह से बेल्ट लगाने के लिए जो पट्टियाँ लगी होती हैं, उसी तरह से हमें इसको लगाना है। यहाँ दोनों तरफ हमें निशान लगा करके इस तरह से हम इसमें सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने इस पट्टी को लगा करके तैयार कर लिया है, हमारा डायपर बनके तैयार है। इस तरह से बंधन को इसमें डाल करके नॉट्स लगाना होगा। आप जितना भी टाइट खींचना चाहे इस तरह से खींच करके नॉट्स लगा देंगी, ये एकदम परफेक्ट रहेगा। डायपर बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें कपड़ा रख करके बच्चों को लगाना होता है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ की चौड़ाई नापेंगे, 5 इंच है। तो 5 इंच की हम पट्टी कट करेंगे इस पॉलीथीन से। आप कोई भी पॉलीथीन यूज़ कर सकती हैं, थोड़ा मुलायम होनी चाहिए और थोड़ा मज़बूत होनी चाहिए। तो हमने ये डायपर की पॉलीथीन ही यूज़ की है। इसको हम पहले इस तरह से कट कर लेंगे 5 इंच की चौड़ाई में। अब यहाँ से हम लंबाई कट करेंगे, यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब इसकी लंबाई हम अपने डायपर के हिसाब से रखेंगे। जितना बड़ा हमारा डायपर है उससे 1/2 इंच या 1 इंच छोटा रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये बाहर दिखेगा। तो इस तरह से हमने इसकी लंबाई कम कर ली है, ये 12 इंच की लंबाई में है। थोड़ा सा इसको बराबर कर लेंगे। अब ये कपड़ा लेंगे, इस कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे और बीच में इस थैली को रखेंगे, और दोनों साइड से हम एक एक सिलाई लगा करके इसको अंदर पैक कर देंगे। चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम दो अलग अलग पट्टियाँ लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये वाली पट्टी तैयार कर ली है। इसमें अलग से पॉलीथीन है, आप इसको अलग से चाहें तो हटा करके धुल सकती हैं। दोनों साइड से हमने कपड़ा लगाया है और बीच में पॉलीथीन है। अब इस तरह की आपको गद्दी बनानी होगी बच्चों को लगाने के लिए। इस तरह की कई गद्दियाँ बनानी होती हैं, एक निकालने के बाद फिर दूसरी लगाया जाता है। लगभग 1 घंटे तक ये काम दे सकती है। तो इस तरह से इसमें लगाएंगे और फिर इस पर रखेंगे, और यहाँ बच्चे को लेटाने के बाद इस तरह से हम इसे लगा देंगे। इस तरह से हम यहाँ नॉट्स लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये बेबी डायपर बन करके तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से डायपर बना करके बच्चों के लिए यूज़ कर सकती हैं और ढेर सारे पैसों की बचत कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी डायपर की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।